हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा राधे राधे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अमृत उद्यान के बारे में, जो कि अब की फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 2023 में कि जो सेकंड टाइम ये ओपन हुआ है। अदरवाइज़ ये जो उसमें फैब में या जैन में ओपन होता था, तो अब ये ओपन है। अगर आप भी चाहें तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। ये 16 अगस्त से 17 सितंबर तक ही ओपन है और ये है वहाँ के पास। इसमें सारे इंस्ट्रक्शन है, जो भी वहाँ पे विज़िट करेगा तो आप क्या क्या आइटम्स ले जा सकते हैं, क्या क्या नहीं ले जा सकते। तो फ्रेंड्स, ये है अंदर की एंट्री। इसमें ये देखिए, यहाँ पर ये जा रहे हैं, यहाँ से एंट्री होती है गेट नंबर 35 से। तो जब आप गेट नंबर 35 से एंटर करेंगे तो ये वहाँ का व्यू है, मतलब वहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है। और यहाँ पर अब की बार कुछ नए गार्डन्स जो हैं इसमें ऐड हुए हैं, जो कि हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू की वजह से ही ऐड हुए हैं। उन्होंने जैसे कि बाल वाटिका वगैरह अब न्यू ऐड हुआ, ये पहले जो अमृत उद्यान था उसमें नहीं था। और इसका नाम भी इसी वजह से अब की बार चेंज हुआ है, इसको अमृत उद्यान बोलते। पहले ये मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ चारों तरफ ऐसे ग्रीनरी है और काफ़ी सारे गार्डन्स हैं, देखने लायक नज़ारे हैं यहाँ पर। तो ये अभी हम लोग वहीं की तरफ जाते हुए, आप लोग यहाँ पे जो पास होते हैं वो आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बस उसके लिए क्या है, आपको अपने साथ आईडी रखना होगा और उसके थ्रू और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो उससे आप अपना जो यहाँ की ऑनलाइन वेबसाइट है उससे ऑनलाइन पास ले सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर वो मशीन्स वगैरह हैं, वहाँ से आप अपना मतलब सेल्फ सर्विस भी आप खुद वहाँ से पास ले सकते हैं। और उसके बाद ये वहाँ का व्यू है, ये सब वहाँ पे घूमते हुए। अगर वीकेंड्स पे जाएंगे तो थोड़ा भीड़ रहेगी, अदरवाइज़ काफ़ी कम लोगों को शायद अभी जानकारी है कि ये दोबारा से खुल गए। तो ये वहाँ का ये रास्ता है, ये खाली है काफ़ी, मतलब इतना नहीं था। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पे, काफ़ी बंच में आए थे, काफ़ी ग्रुप्स थे। और ये वहाँ पर ये पानी की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर हैं, जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह और ये पानी पीने का वहाँ पर है। लेकिन काफ़ी दूरी पे, ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पे हैं, बट हैं। तो आप चाहें तो अपनी वाटर बॉटल ले जा सकते हैं और वहाँ से उसको रिफ़िल करवा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा डेकोरेशन कर रखा है यहाँ पर, और अलग अलग तरह के यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, मतलब काफ़ी अच्छा व्यू है। और यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी जी, उनकी जो ये आप देख रहे हैं ये वहीं का व्यू है। उनकी एक पर्सनल अपनी खुद की लाइब्रेरी थी। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक वो मेडिकल बूथ भी बना हुआ है, वहाँ पे फर्स्ट एड जैसी सुविधाएं भी हैं। और एक फूड कोर्ट है, वहाँ पे आप जाकर मतलब खा सकते हैं। रीज़नेबल प्राइस पर नहीं है, थोड़ा कॉस्टली है, बट अगर आप चाहें तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। और ये है बच्चों की बाल वाटिका का व्यू, जहाँ पर छोटे मोटे झूले लगे हुए हैं जिस पर बच्चे जाकर इन्जॉय कर सकते हैं। और वहाँ पे जो आपने वो अपना पेड़ देखा, वो ये जो सामने जो पेड़ दिख रहा है ये शीशम का पेड़ है, जो कि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग ये 245 साल पुराना है, 245 इतने साल ये पुराना है। और उसको इन्होंने डेकोरेट कर रखा है। और यहाँ काफ़ी अच्छा मतलब फ़ोटोज़ लेने के भी सीन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ डेकोरेशन है। यहाँ पर काफ़ी पब्लिक इन्जॉय करती हुई, बच्चों के लिए एक नया इनिशिएटिव है ये, जो कि हमारी प्रेसिडेंट की तरफ से है। ये और ये यहाँ से ये राष्ट्रपति भवन जो है वहाँ के लिए है। तो यहाँ से हम जो मेन सेंट्रल लॉन है, ये म्यूज़िकल फाउंटेन है, यहाँ पे म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ये फाउंटेन जो होता है, ये फाउंटेन शो होता है। ऐसा ही फाउंटेन शो अक्षरधाम में, बट वो लेज़र व्यू के साथ है, लेज़र प्लस म्यूज़िक व्यू है। बट यहाँ पे ये जो ये म्यूज़िकल फाउंटेन है, यहाँ पे देशभक्ति गाने चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये फाउंटेन इधर उधर मूव करता है। तो यहाँ का भी काफ़ी अच्छा व्यू है, फ़ोटो लेने की काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी लोग यहाँ पर जाके इन्जॉय करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई संडे वगैरह पे, वीकेंड्स पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू रहता है। और रश थोड़ा ज़्यादा रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आप आ सकते हैं।
ये क्लोज़अप व्यू है उसी का, वही म्यूज़िकल फाउंटेन का थोड़ा क्लोज़अप व्यू है ये। अब यहाँ से ये म्यूज़िकल फाउंटेन से हम निकलते हुए और वहाँ से हम रोज़ गार्डन की तरफ जाते हुए, ये देखिए आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन, संगीतमय फुवारा। ये यहाँ पे ये तुलसी जी हैं, यहाँ पे हर तरीके की जड़ी बूटियाँ हैं और हर तरीके की औषधि है, जितने भी पौधे हैं पेड़ हैं वो सारे हैं। और उनके ऊपर एक कोड लगा हुआ है, अगर आपको उस पेड़ के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसमें आपको मिल सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर आपको किसी पेड़ के बारे में नहीं भी पता तो आप उसको स्कैन करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ की जो एंट्री है वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप आएंगे तो दोपहर की कड़क धूप से बच सकते हैं। और ये राष्ट्रपति भवन का नज़ारा, ये सेंट्रल लॉन है, यहाँ से ये बहुत ही क्लोज़अप में है। तो अगर आप अमृत उद्यान जाते हैं तो आप राष्ट्रपति भवन का ये सुंदर सा नज़ारा देख सकते हैं। और अब ये फ़ोटो सेशन, छोटा मोटा, कोई ज़्यादा बड़ा फ़ोटो सेशन नहीं हुआ, बट फिर भी थोड़ा बहुत छोटी छोटी क्लिप्स। यहाँ जगह जगह ये मतलब जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसमें कोई अंदर ना घुसे, इसके लिए यहाँ पे जगह जगह ये लोग तैनात थे कि कोई पब्लिक अंदर इसके अंदर जाके कोई गलत उसका वो ना करें, तो जगह जगह ये पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए थे ताकि सब कुछ स्मूथली हो सके, कोई इंटरप्शन ना रहे। तो दोस्तों के साथ जाने का या अपनी फैमिली के साथ जाने का और अपने वीकेंड्स पे कुछ अलग से टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आपको जाना है तो आप वहाँ जा सकते हैं, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा हटकर चीज़ें हैं वहाँ पर और आपका वीकेंड भी अच्छा स्पेंड होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राधे।